Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये हमारे इकोलॉजी चैप्टर 13 की थर्ड वीडियो है, और अगर आपने इससे पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं वो एक स्पीशीज है। और सभी ऑर्गेनिज्म जो एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट करते हैं एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, जैसे अगर मैं कहूँ पॉपुलेशन हो गई कॉर्मोरेंट्स की पॉपुलेशन, इंडियन शैग, ये एक बर्ड है, ठीक है। रैट्स हो गए आपके, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीज हो गए किसी फॉरेस्ट में, बैक्टीरिया का कल्चर हो गया एक प्लेट में, तो ये क्या है, एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है। लोटस प्लांट इन अ, तो ये सभी एक एग्जाम्पल है कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी डील करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन। और हमारी पॉपुलेशन के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं करता है। जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम कहें तो बर्थ और डेथ है, बट बर्थ रेट और डेथ रेट सिर्फ एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। एक पॉपुलेशन ही शो कर सकती है बर्थ रेट और डेथ रेट, एक इंडिविजुअल नहीं शो कर सकता। इन अ पॉपुलेशन रेट्स क्या हैं? रेट्स जब हम टाइम के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ पर कैपिटा बर्थ एंड रेट, तो रेट क्या एक्सप्रेस करते हैं? चेंज इन नंबर, और वो नंबर में चेंजेस इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है पॉपुलेशन में जो मेंबर्स हैं उनका। इंक्रीज होना मींस पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बर्थ रेट्स और डेथ रेट से। तो आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप के दो क्वेश्चंस हैं, और आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पॉन्ड में जो लोटस प्लांट है, लास्ट ईयर उसमें 20 लोटस थे। थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू जो लोटस प्लांट है वो ऐड हुए, तो जो करंट पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई? 28। तो अगर मैं बर्थ रेट कैलकुलेट करूंगी तो मैं क्या क्या करूंगी यहाँ पे? मेरे पास 20, कितने लोटस थे टोटल? 20, और कितने ऐड हुए? 8। तो 8 डिवाइड बाय 20 इज 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। तो 0.4 क्या है? मेरी बर्थ रेट है। जैसे नेक्स्ट यहाँ एग्जांपल दिया है लेबोरेटरी फ्रूट फ्लाई का, ठीक है। 4 इंडिविजुअल्स जो हैं लेबोरेटरी पॉपुलेशन के, 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 की डेथ हो गई विद इन अ वीक। तो ये टाइम इंटरवल यहाँ कैसा दिया है? वीक का, यहाँ पे ईयर का। तो हम जो रेट्स है, जो भी बर्थ रेट डेथ रेट है, वो किसी टाइम कंपैरिजन के बीच में निकालते हैं कि वो टाइम कैसा है, 1 ईयर, 1 मंथ या 1 वीक। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, हमने आंसर में लिखा था पर लोटस पर ईयर, अब हम यहाँ डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे डेथ कितनी हुई? 4 डेथ हुई फ्रूट फ्लाई की, और टोटल कितने थे? 40। तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो ये क्या है? हमारा डेथ रेट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डेथ रेट या फिर बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो डेथ रेट और बर्थ रेट के अलावा जो तीसरा एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, वो है सेक्स रेशियो। किसी भी पॉपुलेशन में कितने मेल और फीमेल इंडिविजुअल हैं वो डिफाइन करते हैं एक पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि 60% पॉपुलेशन फीमेल है और 40% पॉपुलेशन मेल है, तो ये जो परसेंटेज है ये क्या बता रही है? सेक्स रेशियो बता रही है किसी भी पॉपुलेशन का। तो नेक्स्ट चीज आती है, हमारी कोई पॉपुलेशन जो है उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल है, मेल और फीमेल। अब वो जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हो सकते हैं, मींस उनका डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल है अकॉर्डिंग टू देयर एज, वो हम प्लॉट करते हैं एज पिरामिड्स में। तो हमारे एज पिरामिड्स होते हैं जिसमें हमारी प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज को हम डिफाइन करते हैं, जो बताती है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है। तो वो पिरामिड्स हम देखते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में ये जो एज पिरामिड्स हैं, ये आपको 3 पिरामिड शो किए गए, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग।
तो जो येलो कलर पार्ट है वो है प्री रिप्रोडक्टिव एज, मींस प्यूबर्टी से पहले वाला एज, रिप्रोडक्टिव एज मींस आपकी अडल्ट एज और एडोलेसेंस एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड एज। तो आप तीनों ग्राफ देख सकते हो, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। अगर डिक्लाइनिंग ग्राफ होता है इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है ना, क्योंकि बर्थ रेट ही यहाँ कम है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ही देखो कितनी ज़्यादा कम है। फिर एक्सपैंडिंग, अगर आपकी पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग है इसका मतलब पॉपुलेशन हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो रहे हैं यहाँ, बर्थ रेट काफ़ी हायर है। और ये जो स्टेबल ग्राफ है जिसमें आपके प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तीनों ही पॉपुलेशन काफ़ी स्टेबल है, और कंपैरेटिवली ये तीनों ही एक इक्वल ग्राफ शो कर रही हैं ये पिरामिड में। तो ऐसा पिरामिड बहुत आइडल पिरामिड होता है, और इस पॉपुलेशन को हम बेस्ट पॉपुलेशन मानते हैं। जो पिरामिड्स हैं वो डिफरेंट शेप शो कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। तो स्टेबल है, एक्सपैंडिंग है और डिक्लाइनिंग है। इसी पे बेस्ड हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन साइज होता है वो इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। पॉपुलेशन साइज को टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एन से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप हमने देखा अभी बर्थ रेट, जैसे अगर बर्थ रेट इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, मींस पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है किसी भी स्पीशी का, पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कोई एक कॉन्स्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है और टाइम के साथ। तभी तो हम बर्थ रेट, डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं, सेंसस, पॉपुलेशन काउंट की जाती है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पहले कितनी थी, है ना। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आप देख सकते हो, फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, ये हमारी एबायोटिक कंडीशन है। ऑब्वियसली हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, कोई भी पॉपुलेशन अगर उसको प्रॉपर एबायोटिक कंडीशन मिल रही है, अच्छा वेदर है, टेम्परेचर आपका है, वाटर अवेलेबिलिटी है, सनलाइट है, क्योंकि सनलाइट होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, है ना, फूड अवेलेबल है अच्छे से, तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है। अगर वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेगी, रिप्रोडक्टिव एज में आएगी तो वो रिप्रोड्यूस करेगी और ऑफस्प्रिंग रिलीज करेगी एनवायरमेंट में। तो काफ़ी छोटे छोटे फैक्टर हैं जो एक पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमें बताती है कि पॉपुलेशन कैसी है, फ्लरिशिंग है या डिक्लाइनिंग है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि जो एज पिरामिड्स हैं हमें तीन तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रहे थे ना, डिक्लाइनिंग भी, स्टेबल भी और एक्सपैंडिंग भी। तो हम जो वो एज पिरामिड है उससे पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एक हैबिटेट की ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये चार बेसिक प्रोसेसेस पर डिपेंड करती है। और वो चार बेसिक प्रोसेसेस में से दो हैं आपके नेटैलिटी और मोर्टैलिटी। तो नेटैलिटी और मोर्टैलिटी बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो ये दोनों फैक्टर्स, इन चारों टर्म्स को हम समझेंगे, क्योंकि नेटैलिटी और इमिग्रेशन आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इस टाइप का डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी अच्छा है, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी डायग्राम। सिंपली आपको ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि जो आपकी पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कौन से चार फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछा भी जाता है बोर्ड्स में। तो आपका नेटैलिटी क्या है, रिफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ पॉपुलेशन। तो जो इनिशियल डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कैसे बढ़ेगी, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल के बर्थ होंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो आप देखो पॉपुलेशन साइज में नेटैलिटी प्लस फैक्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करा दी। नेक्स्ट है इमिग्रेशन। तो आपका जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, मतलब एक आपका इंडिविजुअल किसी एक दूसरे हैबिटेट से आपके हैबिटेट में आ गया, कोई इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री से इंडिया आ गया और वो इंडिया में सेटल हो गया,
तो इंडिया में वो सेटल हो गया, मींस इंडिया की पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल एड ऑन हो गया, तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो इमिग्रेशन यही कहता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम समवेयर एल्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो आपके दो फैक्टर्स नेटालिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन। तो मोर्टैलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर डेथ होंगी पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी डिक्रीज होगी। एमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ लोग इंडिया इंडिया से किसी और कंट्री में जाकर सेटल हो रहे हैं, तो ये हमारी कंट्री के लिए क्या हुए, एमिग्रेंट्स हुए, क्योंकि वो मूव कर गए, इंडिया से मूव कर गए और कहीं और सेटल हो गए। तो इंडिया की पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल या जो भी जितने इंडिविजुअल्स ने इंडिया को छोड़ा और किसी और कंट्री में गए, तो इंडिया में पॉपुलेशन कम हुआ और दूसरी कंट्री के लिए वो क्या हो गए, इमिग्रेंट्स। हमारी कंट्री के लिए वो क्या है, एमिग्रेंट। जो एमिग्रेशन है और मोर्टैलिटी है, ये पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कराते हैं, नेटैलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कराते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एन, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज एट अ गिवन टाइम। ठीक है, टाइम इज टी, तो बोल रहे हैं डेंसिटी एट टाइम, तो किसी भी टाइम पे डेंसिटी क्या होगी, टी प्लस वन इज एन टी प्लस वन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, ठीक है, तो एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस, आप देखो मोर्टैलिटी प्लस इमिग्रेशन आई माइनस, फिर आपका आएगा डी डेथ रेट जो है, या मोर्टैलिटी प्लस एमिग्रेशन। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसके लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, तो क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इन्हीं चार फैक्टर पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट टू फैक्टर्स नेटालिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, सेकंड फैक्टर मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ यही लिखा है, पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज विद नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी किसकी वजह से, मोर्टैलिटी और एमिग्रेंट्स की वजह से। तो डेथ और बर्थ रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी न्यू हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज होते हैं, इमिग्रेशन होता है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए अपार्ट फ्रॉम बर्थ। ऐसा नहीं है कि अगर बर्थ रेट कम भी है बट वहाँ इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।